नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राकेश राजपूत। दोस्तों मैं बहुत टाइम से बोर हो रहा था, मैंने कहा कुछ नई चीज बनाई जाए उत्तराखंड राइडर के नाम से। तो मैंने कहा खाली बैठे हुए आपके लिए भुना चिकन मैंने सोचा कि मैं बना के आपको दिखाऊं। अभी मेरे को शौक है खाना बनाने का, तो मैंने कहा क्यों ना आपके साथ ही शेयर किया जाए। तो भुना चिकन किस तरह से बनाते हैं, क्योंकि मार्केट में जो मिलता है वो अलग चीज है, जो हम बनाएंगे वो अलग चीज है। इसमें हम जरा उत्तराखंड का टेस्ट भी जरूर डालेंगे, मजा तभी आएगा। क्यों, सही कह रहा हूँ ना? तो चलिए शुरुआत करते हैं। उसके लिए क्या क्या सामग्री चाहिए वो मैं आपको दिखाता हूँ। हाँ दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया था, तो ये हमारा जो आजकल भुना चिकन जो मैं बनाने जा रहा हूँ गढ़वाली स्टाइल में, तो उसकी रेसिपी है। तो उसके सामग्री क्या है वो देखिए। जैसे मैंने 1 किलो चिकन लिया हुआ है, टमाटो लिए हुए हैं, और ये इसमें मैंने प्याज, आपका चिली ये मिक्स किया हुआ है, और हरा धनिया जी, दही लिए हमने 1 छोटा कप जो हमने फेंट ली है, सोया सॉस लिया हुआ है, कुछ मसाले हैं जो मेरे घर पे ऑलरेडी हैं, और ये 2 हमने जिंजर के पैकेट रखे हुए हैं, जिंजर गार्लिक, क्योंकि मेरी खत्म हो गई थी तो मैंने कहा चलो बाहर से मंगा लेता हूँ। और इसमें खास स्पेशल क्या है, ये जो मसाला है, आमतौर पर हम चिकन मसाला या कोई भी लेते हैं, तो ये मैं लाया हूँ बिरयानी मसाला। जी हाँ, बिरयानी मसाला इसका जरूर है। तो अभी हम क्या करेंगे, चिकन इसमें डालेंगे और सोया सॉस मिलाएंगे, तो वो मैं आपको दिखाता हूँ किस तरह से। तो दोस्तों जैसे देखिए, ये हमारे पास चिकन है, ये हमने रखा हुआ है 1 किलो। तो मैं मार्केट की तरह तो नहीं बताऊंगा, पर इस तरह से बताऊंगा कि आपको कभी भी आप बनाना चाहे, जब बिगनर हो चाहे कोई भी बनाना चाहे, बड़े इजी तरीके से बना सकते हैं। तो चिकन को अच्छी तरह वॉश कर लीजिए। वॉश करने के बाद हम इसमें डालेंगे जिंजर। इसमें चाहे तो आप और भी कोई मसाला डालना चाहे तो डाल सकते हैं, ये आप पे मर्जी है। मैं आपको शॉर्ट तरीके से बहुत अच्छे तरीके से बताऊंगा कि आपको किस तरीके से बनाना है। और ये है सोया सॉस है, करीबन 4 से 5 स्पून डालने हमने इसमें, ताकि इसका जो कलर है बहुत अच्छा आ जाए और दिखने में काफ़ी अच्छा लगे। इसके बाद हम इसको रोस्ट करेंगे। अभी हम इसे मिला लेते हैं। तकरीबन इसको हमें 1 घंटा इसको इसी तरह रखना है, इसमें कोई नमक नहीं डालना, कुछ नहीं डालना है, सिर्फ इसको अच्छी तरह से बहुत अच्छा दिखेगा। अभी हम इसे रोस्ट करेंगे जब 1 घंटे बाद, तो देखिए इसका कैसा होगा। आप ये घर में बड़ा आसानी से बना सकते हैं, ना ही आपको ज़्यादा, क्योंकि यूट्यूब में कई तरह से बना सिखाते हैं किस तरह से बनाइए। मैं आपको इजीली तरीके से बना रहा हूँ कि जो आपके घर में ऑलरेडी सामान रहता है उससे आप बड़े इजीली तरीके से बना सकते हैं, चाहे आपका सामान हो या ना हो। अब हमने इसे मिला ली अच्छी तरह से, और हम इसे 1 घंटे के लिए बिल्कुल रूम टेम्परेचर में छोड़ देंगे। दोस्तों जैसे हमने अब चढ़ा दिया है रोस्ट करने के लिए चिकन को, और मैं ऑयल इस्तेमाल कर रहा हूँ कोकोनट। तो कोकोनट आजकल जो हेल्थ के हिसाब से हमें बहुत बढ़िया है, चाहे तो आप किसी भी तेल में बना सकते हैं, सरसों के तेल में, रिफाइंड में, पर मैं कोकोनट ऑयल में इसको रोस्ट करूंगा। ग्रिल करना है एक तरह से, जैसे 3 से 4 कप हमने स्पून हमने लिए हैं कोकोनट ऑयल, और ये हमारा जो चिकन है ये भी बन चुका है। इसे हमने 1 घंटे का रेस्ट दिया था और काफी अच्छा आ चुका है, देख सकते हैं आप। अब हम एक एक करके इनको इस पे ग्रिल करेंगे, और हमने हाई करके लो कर दिया है। अब इसमें हम चिकन के पीसेस को ग्रिल करेंगे। अभी इसको पलटे नहीं, अभी थोड़ी देर इसको होने दीजिए, उसके बाद ही हमें इसको पलटना है, नहीं तो ये चिपक भी जाता है। ध्यान रखिए इस चीज़ का कि एकदम कोई भी चीज़ डालने के बाद थोड़ा इसको पलटिए मत। हमें इसको थोड़ी देर तक ऐसे रखना है 2-4 मिनट तक, ताकि वो नीचे अच्छे से सिक जाए, उसके बाद ही हमने इसको पलटना है। ऐसे हम बारी बारी और भी सबको सेक के फिर आपको कंटिन्यू करते हैं। देखिए हमारा एक तरफ से अच्छा, काफ़ी अच्छा सीख गया है, और कलर भी कितना अच्छा आ रहा है। इसी तरह आपने भी सेकना है, कोई बात नहीं, आप ज़्यादा भी सेक लें तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, पर आप हल्का हल्का सेकिए, उसमें ब्राउन ब्राउन सा अपना आ जाएगा, तो आपको पता लग जाएगा किस तरह से चिकन हमारा सीख रखा है। और ज़्यादा कोशिश मत करिए, एकदम से पलटने की कोशिश मत करिए, ताकि आपका चिकन जो ख़राब ना हो जाए, उसको बड़े आराम से पलटिए, क्योंकि ऐसा होता है चिपक भी जाता है
पर अभी हमारा कोई शिपमेंट शुरू नहीं मेरा। इसकी वजह यह है कि हमने इसको कम एक घंटा रश करने के लिए छोड़ा था। ये देखिए कितना अच्छा कलर आ रहा है, और जब ये बनेगा तो आप भी उंगलियां चाटते रह जाओगे। जैसे ही देखिए हमारा कितना अच्छी तरह से चिकन भून चुका है, बिल्कुल रोस्टेड हो चुका अच्छी तरह से। अब हम आगे का काम करेंगे। देखिए कितना सुंदर एक एक पीस कितना अच्छा भुना हुआ है हमारा। तो चलिए अब आगे का कार्यक्रम शुरू करते हैं, आपको दिखाते हैं। दोस्तों जैसे हमने कढ़ाई चढ़ाई है और इसमें कोकोनट ऑयल डाला है, बिल्कुल ऑर्गेनिक है। अभी जैसे हमारा तेल गर्म हो चुका है तो कोकोनट ऑयल में थोड़ा झाग सा आता है, तो घबराने की बात नहीं, गैस की फ्लेम लो कर देंगे और हम पहले साबुत मसाले डालेंगे। साबुत मसाले जैसे थोड़े से चटकने शुरू हो जाते हैं, ये देखिए आप चटक रहे हैं, साथ ही साथ हम जो हमने ओनियन का पेस्ट बनाया हुआ है इसमें जिंजर गार्लिक भी है, आपका हरा धनिया भी है, छींटे पड़ रहे हैं तो ध्यान रखिएगा इस चीज का। अब हम इसको डाल देंगे। आप इसको साथ ही साथ हिलाते भी रहिएगा ताकि मसाले पूरी तरह से मिल जाए। थोड़ी देर हम इसे हाई फ्लेम में थोड़ा सा पका लेते हैं। ध्यान रखिएगा ज्यादा देर ना पकाइए हाई फ्लेम में। अब साथ ही साथ इसमें मैंने एक पाउच पहले उसमें डाला था जिंजर गार्लिक का, अब मैं दोबारा डाल रहा हूँ इसमें। इसको भी हमने थोड़ी देर पकाना है ताकि जो इसकी स्मेल है वो चली जाए। घर का कुटा हो तो बहुत अच्छी बात है, बाहर का तो कब का पैक होता है, पर एमरजेंसी के लिए ठीक है। आपके छोटे छोटे हैं, ज़्यादा भी नहीं है, 5-5 रुपये में मिल जाते हैं, 5-5-10 रुपये में। अब लो फ्लेम कर देंगे, हर 2-4 मिनट बाद इसको हम हिलाते रहेंगे। अभी हम इसको कवर कर देते हैं थोड़ी देर के लिए, 2 मिनट के लिए इसे कवर करके रखेंगे ताकि जो हमारा प्याज है वो अच्छी तरह से भून जाए। तो चलिए दोस्तों अब देखते हैं कि कैसे हुआ अभी हमारा मसाला। तो काफी अच्छा लग रहा है देखने में। अब इस स्टेज में हम डाल देंगे टमाटो। आप चाहे तो टमाटो नहीं भी डाल सकते हैं और चाहे तो डाल भी सकते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। ये मैं बता रहा हूँ कि जरूरत है नहीं है, जिसको जैसा टेस्ट आता है उस हिसाब से बना सकते हैं। इसको भी हम 2 मिनट तक तेज लो में पकाएंगे ताकि इसका फटाफट पानी जो है निकल जाए। अभी हमने मसाले कुछ नहीं डाले हैं, और सबसे बड़ी टेक्निक और सबसे बढ़िया खाना तभी बनता है जब तक उसका मसाला आप अच्छी तरह से नहीं पकाएंगे। आप देखते रहिए मसाला मैं कितनी बार पकाऊंगा इसको, जब ये ड्राई भी हो जाएगा उसके बाद भी मैं इसमें थोड़ा थोड़ा पान करके करीबन आधा गिलास पानी यूज करता हूँ और ड्राई करता हूँ काफी देर तक, क्योंकि मसाला अच्छी तरह तेल छोड़ देता पूरी तरह से। अभी हमने इसको डाल दिया है, ये देख रही आप कितना झटका मार रहा है। और स्टेज में हम अभी इसको थोड़ी देर ऐसे ही छोड़ देते हैं। देखते हैं हमारे मसाले की कंडीशन क्या है। वाओ, मसाला काफी अच्छा हमारा भून चुका है। थोड़ा सा हम सेंधा नमक यूज करते हैं ऑर्गेनिक, आधा चम्मच हमने डाला है, आप टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। अगर ग्रेवी करनी है तो आप कर सकते हैं, अदरवाइज ये सूखा बनता है, इसमें बहुत डार्क ग्रेवी होती है। अब इस कंडीशन में हम डाल देंगे इसमें मैं ये मसाला जिसे मैंने कहा था बिरयानी मसाला। और इसमें थोड़ा सा गरम मसाला, बहुत कम डालना है गरम मसाला। डालेंगे थोड़ा सा पानी, क्योंकि देख रहे होंगे आप ये उबल गया, काफी पक गया है। थोड़ा सा हम टमाटर वाला ही पानी डाल रहे हैं इसमें, थोड़ा थोड़ा करके, ताकि वो एकदम ड्राई ना हो जाए। मसाला तो काफी अच्छा लग रहा है देखने में। और अब देखते हैं हमारा मसाला कैसे बना हुआ है।
बहुत जबरदस्त, क्या कलर आया, आप भी देखिए, बेहतरीन खुशबू आ रही है। अभी हमने इसको ये मत समझिए कि ये बन गया है, ये अभी बना नहीं है, अभी हमने इसमें और पानी डालना है, क्योंकि मैंने आपको बताया यही सबसे इम्पोर्टेंट चीज है। अगर आप इसको बनाना सीख गए तो बहुत इजीली आप सब कुछ बना सकते हैं, और ये बहुत शॉर्ट है, कुछ ज्यादा मेहनत नहीं है, कुछ नहीं है। अब जैसे हिसाब से आप डालना चाहते हैं, मैं थोड़ा इसमें मिर्ची भी डाल देता हूँ, क्योंकि हम लोग जरा तेज खाते हैं, आधा स्पून हमने और डाला है, करीबन एक चम्मच हमने डाल दिया है। इसमें आपको और मसाले जरूरत है, नमक मैंने अभी हाफ चम्मच ही डाला है, क्योंकि अभी हमें मसाला बनाना है पूरी तरीके से। एक बार बनाओ, मैं कह रहा हूं होटल का खाना भूल जाओगे आप, कि होटल का खाना क्या होता है। आपके हाथ में इतनी अच्छी कला होगी, आप खुद ही कह सकते हो कि हाँ मैंने बनाया है। ट्राई जरूर करिएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा। अभी ऐसे हम फिर पकड़े देते हैं थोड़ी देर के लिए। देखिए हमारा मसाला कितना अच्छा भून चुका है। अब आप सोच रहे होंगे शायद आप इसमें चिकन डाल दिए थे, बट अभी नहीं डालना, अभी इसको पकाना है हमने, और क्योंकि मसाला ही सबसे इम्पोर्टेंट चीज है अगर हमने बढ़िया सा खाना है तो। देखिए कितना अच्छा लग रहा है। अभी हम इसे एक दो बार और करेंगे, हो सकता है मैं वीडियो में आपको ना दिखाऊं, पर अभी आपने देखिए ऐसे करते जाना है, जिससे इसका ग्रेवीपन भी आता जाए और मसाला भी काफी अच्छा बनता जाए। अब इसमें हम थोड़ा सा पानी और ऐड कर देते हैं, आधा कप के करीब। और इसे फिर ढक देते हैं, लो फ्लेम होनी चाहिए आपकी, लो फ्लेम में ही अच्छा बनता है। फ्रेंड देखिए हमारा मसाला काफी अच्छा बन चुका है, अब आपको दिख रहा होगा किस तरीके से हमारा मसाला बन चुका है। इस वाली स्टेज में हम ये सारे पीसेस डालेंगे। हल्के हाथों से इनको पलटिएगा ताकि मसाला जो है आपका पूरा हर चीज में लग जाए। मन तो कर रहा होगा कि अभी खा ले, पर हमें अभी इसको पकाना है। तो अभी हम इसे 10 मिनट के लिए इसको ऐसे छोड़ देंगे लो फ्लेम में, ताकि जो मसाला है अंदर तक चले जाए। इसको कवर कर देते हैं इस तरह से, और 10 मिनट बाद हम या 5-10 मिनट बाद हम इसको खोल के देखेंगे। तो दोस्तों देखते हैं हमारा गढ़वाली भुना चिकन, वाओ बहुत बढ़िया लग रहा है। आपको भी यकीनन देख के मजा आ रहा होगा, होटल को भी फेल कर दी। अभी हमने इसके घुमा दिया है, 10 मिनट इसके हो गए थे, अभी हम 5 मिनट इसे और पकाएंगे, ताकि हमारे जो चिकन है काफी अच्छा गल भी जाए। सिर्फ 5 मिनट, वापस से हम ढक देते हैं इसको। 5 मिनट हो चुके हैं, आप देखते हैं कि कैसे है, सरप्राइज देख सकते हैं कितना बढ़िया बना है हमारा गढ़वाली भुना चिकन। अभी हमने इसमें एक काम और करना है, वो क्या करना है वो देखता आता हूं आपको। ये देखिए अब हम डालेंगे जो हमने दही फेटी हुई थी, ये वो दही है फेट रखी है, वो डालनी है। दही एक्चुअली डालने से क्या होता है कि मसालों का जो कम ज्यादा होता है उसको लेवल में बराबर कर देता है। अभी ध्यान रखिए, अभी हमने इसमें नमक नहीं डाला है, थोड़ा इसे घुमा लेंगे। क्योंकि इसको पकाना ही सबसे बड़ी जरूरत चीजें हैं, इसको थोड़ा हम तेज आंच में 2 मिनट पकाएंगे अच्छी तरह से, हाई फ्लेम में। और इसके बाद हम इसको फिर 5 मिनट के लिए रेस्ट कर देंगे। इसको फिर 5 मिनट बाद देखेंगे इसकी कंडीशन कैसी है। अब इसको ढक देते हैं, हम लो स्लो कर देते हैं, 5 मिनट से और वेट करेंगे।
तब आप आगे आपको दिखाएंगे। तो पूरे चेक करते हैं, तो इसमें कसर सिर्फ थोड़ी सी रह गई है, बाकी ये पूरी तरह से तैयार हो चुका है। आप इसमें हरा धनिया डाल के इसको सर्व कर सकते हैं। और अभी हमने इसमें नमक नहीं डाला है, क्योंकि नमक हम पहले डाल चुके हैं। अभी हम सिर्फ इसमें अपने टेस्ट की जरूरत के हिसाब से हम एक ही चम्मच डाल रहे हैं। अगर आप ग्रेवी चाहते हैं तो उसमें थोड़ा पानी और डाल सकते हैं, नहीं तो इसी तरह से आप इसको सर्व कर सकते हैं। तो हरा धनिया डाल के आप बड़ा अच्छा स्वाद ले सकते हैं। तो आपको जरूर है, मेरे को लगता है कि आपको ये रेसिपी जरूर पसंद आएगी। बहुत शॉर्ट है, सिर्फ मसाले की विधि जरूरी है इसमें। मसालों को आपने अच्छी तरह पकाना है, तभी आपको ये लुक मिल पाएगा। तो हमें तो खैर थोड़ी ग्रेवी और चाहिए, तो हम इसमें थोड़ा पानी ऐड कर रहे हैं ताकि ये हमारी ग्रेवी हो। लोग ज्यादा हैं इसलिए हम उस अकॉर्डिंग इसमें पानी डाल रहे हैं। तो हमने सिर्फ एक गिलास पानी डाला है, ज्यादा नहीं, पर पकने के बाद ये और अच्छा हो जाएगा। तो दोस्तों, अगर मेरी रेसिपी पसंद आई हो आपको, शॉर्टकट में गढ़वाली भुना चिकन, तो जरूर लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। और आगे अगर कोई और अच्छा देखना हो शॉर्टकट में, तो आपको मैं बहुत अच्छा चीज दिखा सकता हूँ। तो मिलेंगे फिर दोबारा नई रेसिपी के साथ। थैंक यू।